हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सुमन इमेजिनेशन। गाइस आज हम करने वाले हैं ऑटोडिक स्केच बुक के अंदर हेयर एडिटिंग को कैसे करें, तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके सो गाइस, तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारा फोटो कुछ इस तरह सा है। आज हम इस फोटो को ही एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस फोटो का फेस एडिटिंग को मैं पहले से ही करके रखा। अगर आपको फेस एडिटिंग करना नहीं आते तो ऊपर बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फोटो को ऑटोडिक स्केच बुक के अंदर शेयर कर देंगे। तो जैसे शेयर कर देंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगी। तो यहाँ पे गाइस आपको जो करना है फोटो का सबसे ऊपर इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ब्रश वगैरह आपको दिखने में मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको सिर्फ नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे गाइस इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। इस ब्रश का नाम है स्मार्च ब्रश। तो इस ब्रश को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ऊपर सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको साइज फ्लो और स्ट्रेंथ दिखने में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो गाइस पहले हम साइज़ को थोड़ा सा जो है डिक्रीज कर देंगे। तो गाइस हम इसको 9.3 के आसपास रख देंगे और इसके बाद फ्लो को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो हम इसको 70 के आसपास रख देंगे और इसके बाद स्ट्रेंथ को 91 के आसपास रख देंगे और इसके बाद फ़ोटो को जो है अच्छी तरह से हम जूम कर लेंगे। तो जूम करने के बाद हमें फ़ोटो को इस तरह से जो है गाइस इस ब्रश को हेयर के ऊपर यूज़ करना है। तो जैसे हम इस ब्रश को हेयर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो हेयर है कितनी अच्छी तरह से एडिटिंग हो रहे हैं। तो गाइस आप भी इस तरह से आपका हेयर को एडिटिंग कर लेना। और गाइस आपको अगर हेयर एडिटिंग को अच्छी तरह से सीखना है तो इसके लिए गाइस आपको वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह से हेयर को एडिटिंग करते हैं। और यहाँ पे गाइस हम वीडियो को थोड़ा सा जो है फास्ट कर लिए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा जो है फास्ट कर लिए हैं। और गाइस अगर आपको हेयर एडिटिंग को अच्छी तरह से सीखना है और अच्छी तरह से जानना है तो इसके लिए गाइस आपको इस वीडियो को जो है स्किप नहीं करना है। स्किप नहीं करके इस वीडियो को गाइस एकदम फुल डिटेल्स में आपको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो का एंड में हम आपको दिखाने वाले हैं हेयर कट कैसे करें। तो वीडियो को जो है ध्यान से आपको एकदम फुल देखना पड़ेगा। और आज हम इस वीडियो पे एकदम डिटेल्स पे दिखाएंगे कि एक्स्ट्रा जो हेयर है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हेयर को कट करने के लिए पहले आपको सेटिंग्स को थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना है। तो सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके गाइस हम इसका जो साइज़ है इसको सिर्फ हम इंक्रीज कर देंगे तो 40 के आसपास रख देंगे और इसके बाद इस तरह से जो है गाइस हेयर को हम रिमूव करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हम कितनी अच्छी तरह से हेयर को जो है गाइस रिमूव कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह से आपका कोई भी फोटो का जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप इस तरह से इरेज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा जो है फास्ट कर लेते हैं नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करने के बाद आपको इसको जो है स्मूथ भी कर लेना है। तो स्मूथ पार्ट को हम बाद में दिखाते हैं। तो इसके बाद गाइस आपको जो करना है फिर से आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका साइज़ को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे तो 5 के आसपास रख देंगे और इसके बाद फ़ोटो को जूम करके इस तरह से जो है गाइस हम इस जगह को फिल करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हम किस तरह से इस जगह पे हेयर को एडिटिंग कर रहे हैं। तो गाइस आपको भी इसी तरह से जो है हेयर को एडिटिंग कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर हम वीडियो को जो है फिर से थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। और गाइस अगर आपको हेयर एडिटिंग रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी हम बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना के रखें। तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को चेकआउट करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और गाइस अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड पे इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो हम कितने अच्छी तरह से हेयर को एडिटिंग कर रहे हैं। तो गाइस आपको भी इसी तरह से जो है हेयर को एडिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप हेयर को एडिटिंग करोगे
तो आपका जो फोटो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा दिखने में। और गाइस आपको जो है इस वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो का एंड में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हेयर के ऊपर लाइन ड्रॉ करना है और किस तरह से फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकते हैं। तो आपको जो करना है वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो को एंड तक आप नहीं देखोगे तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और गाइस यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि हेयर एडिटिंग रिलेटेड है, लेकिन गाइस वहाँ पे आपको प्रॉपर हेयर एडिटिंग को नहीं दिखाते हैं। लेकिन गाइस आज हम इस वीडियो पे आपको प्रॉपर हेयर एडिटिंग को दिखा रहे हैं कि किस तरह से हेयर को हम फुल डिटेल्स पे एडिटिंग करें। तो गाइस आप देख सकते हो हम यहाँ पे हमारा जो हेयर है उसको ऑलमोस्ट हम एडिटिंग कर लिए हैं, तो इसके बाद हम इस तरह से जो है लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो गाइस आप भी इस तरह से आपका कोई भी फ़ोटो का ऊपर हेयर के ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो के ऊपर एक लाइट PNG ऐड कर लेंगे, तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सेकंड ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पे इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो लाइट PNG है इसको गाइस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो लेयर को सिलेक्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड को गाइस नॉर्मल से स्किन कर देंगे। और इसके बाद गाइस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद लाइट PNG को गाइस हम सही पोजीशन पे हम रख देंगे। तो हम ऑलमोस्ट रख दिए हैं, इसके बाद राइट क्लिक कर देंगे। और इसके बाद गाइस हमें जो करना है फोटो का बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके वही ब्रश को सिलेक्ट करना है, और इसका फ्लो और स्ट्रेंथ को सिर्फ डिक्रीज कर देना है और साइज को इंक्रीज कर देना है। और इसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से जो है गाइस हम इसको ब्लर कर देंगे। तो गाइस आप भी इस तरह से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा जो है ब्लर कर लिए हैं। और इसके बाद गाइस हमें जो करना है फ़ोटो को सेव करना है, तो फ़ोटो को सेव करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोटो सेव हो जाएगा। We must never stop the way.